ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 2 हफ्ते या 15 दिन के अंदर अंदर 6 किलो वजन कैसे कम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं कि बहुत ईजी से वजन नहीं कम करना चाहिए। मैं इस चीज़ को अग्री करती हूँ, लेकिन कभी कभी कोई मजबूरी होती है। जैसे आज ही मैंने एक पेशेंट को देखा जिनका 1 हफ्ते बाद उनकी IVF की डेट है और उनको डॉक्टर ने कहा था 20 किलो वजन कम करना है। उन्होंने पूरे 3 महीने ऐसे गुजार दिए और अब 1 महीने में वो चाह रही हैं कि ये 20 किलो किसी तरह कम हो जाए। जब सर पे मजबूरी पड़ती है तो बहुत सारे लोगों को नी रिप्लेसमेंट के लिए या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए या बहुत सारी वजूहत की वजह से तेज़ी से वजन कम करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ, लेकिन शुगर के पेशेंट ने और ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई रहता है या लो रहता है तो उसने ये डाइट प्लान फॉलो नहीं करना। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। प्री ब्रेकफास्ट से शुरू करेंगे। सुबह उठते साथ ही निहार मुंह 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 गिलास नीम गर्म पानी के साथ लेना है। 1 गिलास नीम गर्म पानी में 2 खाने के चम्मच इसबगोल डाल के वो पीना है और उसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पीना है। जो थायराइड के पेशेंट है उन्होंने इसकी जगह थायरॉक्सिन लेनी है। नाश्ता होगा 8 से 9 बजे के दरमियान 2 अंडे की सफेदियों में ज्यादा सारी वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल आजकल अफोर्ड होती है और जो वेजिटेबल अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज, टमाटर, बंद गोभी, जो वेजिटेबल आप अपने ऑमलेट में पसंद करते हैं वो आप डाल सकते हैं। बस आलू का इस्तेमाल नहीं करना। आलू वैसे भी ऑमलेट में नहीं डलता, मगर आलू का मैं फिर भी कह दूँ कि इस्तेमाल नहीं करना। बाकी एक अच्छा सा वेजिटेबल ऑमलेट, लेकिन 2 अंडे की सफेदियों का बनाकर कम से कम देसी घी या बटर में लेना है और उसके साथ 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। ग्रीन टी के अंदर आपने कोई चीनी या शक्कर या शहद कुछ भी नहीं डालना। हाँ, अगर आप इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। नाश्ते के बाद कोई 11 से 12 बजे के करीब आपने 1 सेब या आड़ू या अमरूद या नाशपाती, इन्हीं चारों में से कोई एक फल खाना है। दोपहर का खाना होगा 1 से 2 बजे के दरमियान, जिसमें आपने 1 कप कच्ची सब्जियों का सलाद और घर के बने 2 कबाब, चाहे वो चिकन के हैं, चाहे वो मटन के, चाहे वो बीफ के। हाँ, अगर यूरिक एसिड हाई है तो आपने सिर्फ चिकन के कबाब लेने हैं और उसमें ना होने के बराबर फिर दाल हो। एक आम बंदा जिसका यूरिक एसिड नहीं हाई, बस वो कुकिंग ऑयल कम से कम इस्तेमाल करे, फ्राई कम से कम ऑयल में करे, और अगर एयर फ्रायर आपके पास पड़ा है तो आप उसमें फ्राई करें। एक नॉर्मल बंदा चिकन, मटन, बीफ तीनों के कबाब ले सकता है, वो दाल भी कबाब में ज़्यादा रख सकता है। घर के बने 2 कबाब होने चाहिए। शाम को 4 से 5 बजे के करीब फिर से 1 कप ग्रीन टी आएगी और इस दफ़ा आपने ग्रीन टी के अंदर 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालना है। अब दालचीनी कभी भी ग्रीन टी या पानी में पकानी नहीं है। पानी गर्म करके पहले से ग्रीन टी का साक्षी और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा आपने 1 कप में डाल के रख देना है। उसमें ऊपर से आपने गर्म पानी डालना है। दोनों चीज़ें, ना ग्रीन टी ना दालचीनी, चूल्हे पे नहीं पकानी, पानी में नहीं पकानी। 6:30 बजे के करीब आपने 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 गिलास नीम गर्म पानी के साथ दोबारा लेना है। हाँ, अगर आपको इसबगोल सूट नहीं करता, जैसे बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हम अगर इसबगोल इस्तेमाल करते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या अगर हम इसबगोल इस्तेमाल करते हैं हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है, या किसी वजह से आपको इसबगोल सूट नहीं करता, तो आप ये इस टाइम इसबगोल को मुकम्मल तौर पर छोड़ भी सकते हैं। इवन सुबह वाला इसबगोल भी मुकम्मल तौर पर छोड़ के इसको चिया सीड्स के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। 2 खाने के चम्मच तुख में दाऊदी 30 मिनट के लिए 1 कप पानी में भिगो के रखना है। सुबह फिर आपने निहारमू लेना है। इस टाइम पे तुख में दाऊदी लेने की जरूरत नहीं है। सुबह निहारमू 1 कप वो पानी पीना और उसके ऊपर से 1 कप पानी और पी लेना, और तुख में दाऊदी स्ट्रेन नहीं करने, वो आपने साथ पीना है। तुख में दाऊदी यानी चिया सीड्स आपने साथ में निगलने हैं। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है वो तुख में दाऊदी या चिया सीड्स या बेसिल सीड्स स्ट्रेन करके पी रहे होते हैं वो पानी, उसका कोई फायदा नहीं है, वो तो सिर्फ पानी ही है। फिर रात का खाना होगा 7 से 8 बजे के दरमियान 100 ग्राम बोनलेस चिकन की यखनी बना के इस्तेमाल करनी है। हाँ, आप उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स जैसे शिमला मिर्च, आधी गाजर या बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कॉर्न फ्लावर नहीं आएगा। अगर आप किसी वजह से चिकन की यखनी नहीं ले सकते तो तकरीबन 100 ग्राम बोनलेस चिकन को कीमा की फॉर्म में लिया जा सकता है, लेकिन चिकन का कीमा लेना, मटन और बीफ इस टाइम पे इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप मटन या बीफ इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप दोपहर में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी वजह से यखनी और कीमा दोनों चीज़ें नहीं आप ले सकते, जैसे आपको चिकन वैसे नहीं पसंद, तो आप 200 ग्राम फिर ग्रिल्ड फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर वो डबल क्वांटिटी में चली जाएगी, तो शायद थोड़ा सा वो वेट को आपके थोड़ा सा वो
उतना अच्छा रिस्पॉन्ड ना कर सके जितना 100 ग्राम चिकन की यखनी ने या कीमे ने करना था, मगर फिर भी वो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड तो कहीं ना कहीं करेगी 200 ग्राम ग्रिल्ड फिश। बेहतर ऑप्शन ये है कि चिकन की यखनी इस्तेमाल की जाए, किसी वजह से वो इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कीमा, और किसी वजह से वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो 200 ग्राम ग्रिल्ड फिश। अब इस पूरे डाइट प्लान में चीनी कहीं नहीं है, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। पानी का इस्तेमाल 15 ग्लास ज़रूरी है इस डाइट प्लान के साथ। ब्लैक कॉफ़ी दिन में 2 दफ़ा ज़रूर पीनी है, और वो उस टाइम पर पीनी है जब आप मील नहीं ले रहे, मतलब नाश्ते दोपहर के खाने के दरमियान में किसी टाइम, या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान 2 कप ब्लैक कॉफ़ी ज़रूरी है। ब्लैक कॉफ़ी कैसे बनाते हैं, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, तो 1 कप गर्म पानी के अंदर आपने हस्बे जायका कॉफ़ी शामिल करनी होती है। हर कोई अपनी पसंद की स्ट्रेंथ रख सकता है, चाहे आप उसमें 1 चाय का चम्मच कॉफ़ी डाल दें, 2 चाय के चम्मच डाल दें, जितनी आपको कैफीन की आदत है आपने उस हिसाब से ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल करनी है। अब अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी सूट नहीं करती, पैल्पिटेशंस होती हैं या कोई मसला होता है आपको ब्लैक कॉफ़ी से, तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे लेमन ग्रास टी के साथ। लेमन ग्रास को भी चूल्हे पर पकाना नहीं है आपने, पानी गर्म करके लेमन ग्रास के पत्ते पहले से ही कप में डाल दें, उसके ऊपर से आपने गर्म पानी डालना है, इसको दम पे पकाना है, चूल्हे पे लेमन ग्रास को नहीं पकाना। इसके साथ अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, 1/2 आवर वॉक तो बेहतर हो जाएगा, नहीं भी कर सकते तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये डाइट प्लान आपको फिर भी डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा। कोई ऐसी चीज़ जो डाइट प्लान में नहीं है वो इस्तेमाल नहीं करनी। हाँ, अगर आपकी कोई दवाई चल रही है या कोई सप्लीमेंट डॉक्टर ने लिख के दिया है वो आप इसके साथ ले सकते हैं। कोई सेल्फ मेडिकेशन है इस डाइट प्लान के साथ कि जी हमें कमज़ोरी हो जाएगी तो हम फलां सप्लीमेंट ले लें, CAC की एक गोली घोल के पी लें, इस तरह का कोई सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ सप्लीमेंटेशन इस डाइट प्लान में आपने नहीं करनी। शुक्रिया।